तो देखिए 96 कॉर्ड चाहिए, 1.5 मीटर लंबा, 10 इंच का 2 रिंग, 10 इंच का 1 मीटर और बीट्स। अभी 96 कॉर्ड को रिंग में ऐसे करके अटैच कर लेना है। देखिए रिंग में सारे कॉर्ड को अटैच कर लिए। अभी क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा करना है। देखिए इसको ऐसे उल्टा करके रखने के बाद फिर इसके ऊपर मिरर को ऐसे उल्टा करके ही रखना है, फिर 10 इंच का रिंग इसके ऊपर ही रखना है, बीच बीच में से एक कॉर्ड लेना है, कहीं से भी ले सकते हैं आप लोग, लेके ऐसे पाइपिंग करना है। तो ऐसे करके अटैच करने के बाद फिर इसको सीधे कर लेना है। तो अभी देखिए क्या करना है, ये जो दो धागा है इसके इधर से एक कॉट लेना है, इधर से एक कॉट लेना है। देखिए इसमें बीट्स डालना है, बीट्स डाल के फिर इधर स्क्वायर नॉट लगाना है।
तो ऐसे करके 4 लाइन कंप्लीट करना है, 2 लाइन हुआ है और 2 लाइन कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए 4 लाइन 1 2 3 4, 4 लाइन कंप्लीट होने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है इधर। तो देखिए ये जो नॉट है 1 2 3 4, 4 नॉट लेके, देखिए 4 नॉट लेके ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो एक साइड का ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये 8 कॉर्ड चाहिए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे गिनोगे तो 2 नॉट। तो पहले क्या करनी है, देखिए ये जो पहले वाला जो धागा है इसमें ये सारे कॉर्ड को पाइपिंग करना है। देखिए इसमें जो धागा है उसको थोड़ा टाइट करके ही ऐसे पाइपिंग करने हैं, फिर बाद में ये जो धागा है इसको थोड़ा लूज़ लूज़ करके पाइपिंग करनी है। देखिए इतना गैप, फिर लास्ट वाला ये जो धागा है इसमें बीट्स डालनी है। बीट्स डाल के फिर इस धागे में इसको पाइपिंग करनी है। फिर से ये वाला जो कॉट है इसमें ये सारे कॉट को पाइपिंग करनी है। अभी थोड़ा लूज़ लूज़ करके ही इसको पाइपिंग करनी है, इधर थोड़ा गैप छोड़ना है। फिर से इसमें अभी बीट्स डालनी है। फिर इसमें पाइपिंग करनी है। देखिए मैं पूरी कंप्लीट कर ली इधर, आज 8 लाइन कंप्लीट की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन ऐसे करके कंप्लीट कर ली। फिर इस साइड करनी है, ये जो पहले वाली कॉट है इसमें सेम तरीके से पाइपिंग करनी है।
तो ऐसे करके इस साइड भी मैं 8 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस साइड भी 8 डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। अभी क्या करना है, इसको ऐसे पीछे के साइड इसको ऐसे खींच के, देखिए इसका पहले वाला जो कॉट है और इसका जो पहले वाला कॉट है, इसको दोनों को एक साथ करके थोड़ा खींच के पाइपिंग करनी है। फिर दूसरे धागे को देखिए, इस वाले धागे को ये जो है ऐसे रखनी है और इसमें ये धागे से पाइपिंग करनी है। फिर से ये वाले धागे को ऐसे रखनी है और ये धागे से ऐसे पाइपिंग करनी है। लास्ट तक देखिए ऐसे ही पाइपिंग करनी है। करने के बाद देखिए ये 4 धागे और एक्स्ट्रा ये धागे को छोड़ के सारे धागे को काट के पीछे के साइड चिपकानी है। और देखिए ये जो धागे है, ये 4 धागे छोड़ के इसमें आधा मीटर लंबा और एक धागा अटैच कर रही हूँ।
तो देखिए इधर मैं 8 बीट्स लगा के कंप्लीट की। देखिए करनी है सारे कॉर्ड को काट के पीछे की साइड चिपकानी। देखिए मैं इधर बीच में मोती नहीं डाली थी, ये आप लोगों को दिखाई। अभी ये पूरा कंप्लीट होने के बाद इसमें ये नहीं बनेगा, तो इसलिए बीच में और एक मोती डालना है। तो देखिए पीछे के साइड में मैं सारे कॉर्ड को काट ली, 4 कॉर्ड छोड़ के। जिस कॉर्ड में पाइपिंग की थी देखिए इस साइड से इस कॉर्ड में पाइपिंग की थी और इस साइड से इस कॉर्ड में। अभी क्या करना है, एक इसमें बीट्स डालनी है। एक ऐसे करके डालनी है, फिर ये वाला कॉर्ड को इसी के अंदर से ऐसे करके देखिए ये वाला जो कॉट है इसमें अभी ये कॉट को इस कॉट को ऐसे पकड़ के इसमें पाइपिंग करनी है। और इस साइड में जो कॉट है इसमें ये वाला कॉर्ड को पाइपिंग करनी है। ये सारे कॉट को जला के पीछे के साइड चिपके देना है, ऐसे करके चिपकाना है। ऐसे करके मैं पूरा चिपका लेती हूँ।